नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा साहनपुर में भाजपा नेता व बिजनौर से पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने अपने पुश्तैनी कस्बे से जनता को संबोधित करते हुए विधायक का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर साहनपुर में हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए और कुंवर भारतेंद्र जिंदाबाद के नारों के साथ कुंवर भारतेंद्र का स्वागत किया। कुंवर भारतेंद्र ने भी मंच से नजीबाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने उन्हें नजीबाबाद विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और उन्हें जिताएं। उन्होंने चुनाव जीतने पर अपनी विधानसभा में अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। साहनपुर से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमारे पूर्व सांसद हैं मोहम्मद यूनुस राइन, इकबाल साहब, मास्टर शकील साहब, अनवर साहब, महबूब मलिक जी हमारे नेता हैं और सभासद भी रहे हैं, रिजवान साहब, लतीफ साहब, मुजफ्फर अली साहब हमारे सभासद हैं। खस्ता हाल है, उसमें पानी का जल भराव था। कल एडीएम साहब द्वारा उसमें आरबीएम डलवा दिया गया है, क्या उसका यही उपाय है कुछ और होगा उसका? नहीं, उपाय तो है कि बढ़िया सड़क बने वहाँ पर, मगर अभी बरसात के मौसम में मेरे ख्याल पेंटिंग हो जाए तो उसी से कम कुछ तो हमारे समस्या टलेगी। जो उसमें ऊपर खाबड़ सड़क पे कभी अपनी ही रिक्शा पलट रही है, कभी बच्चे उसमें भीग रहे हैं, कपड़ा खराब हो रहे हैं, तो ये तो खत्म हो पहले और उसके बाद एक बढ़िया सड़क निश्चित बनेगी। सर, योगी सरकार के द्वारा यह हुआ था कि गड्ढा मुक्त होनी चाहिए सड़कें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है नजीबाबाद क्षेत्र में। इसकी खबर कि कहाँ पे कौन सी सड़क पे गड्ढे हैं, कौन सी सड़क टूट गई है, कौन सी सड़क बननी है, ये लिख के तो विधायक ही देगा, विधायक ही ये काम करवाएगा। यो सरकार उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से या दिल्ली से तो यही कर सकती है कि आपके हाईवे नहीं बनवा दे, पुल नहीं बनवा दे, फ्लाईओवर नहीं बनवा दे, बाईपास बनवा दे। अब नजीबाबाद की बाईपास तो खैर बननी ही चाहिए थी, इतना बड़ा शहर है, हमारी तहसील का सबसे बड़ा शहर है, मगर आप देखिए मंडावली जैसे कस्बे की भी बाईपास बन गई है और कितनी बेहतरीन बाईपास बनी है, इतनी चौड़ी सड़क और बिल्कुल सीमेंट की, जिन लोगों के बाल सफेद हैं और डाय नहीं करें, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बनेंगी। मुझे याद है हमारे कोतवाली ब्लॉक के प्रमुख जी पवन जी हरगनपुर अपने लौट रहे थे हरिद्वार से और नदी चढ़ी हुई थी, तो उन्होंने हरगनपुर से गाड़ी मंगवाई और कहा मैं नदी पैदल पार कर लूंगा, बेचारे रपट गए, उनकी लाश नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री हुड्डा के भांजे यहाँ पे उनकी गाड़ी समेत बह गए, उनकी भी लाश नहीं मिल पाई। तो ऐसा इलाका था जहाँ पे आराम से कोई पहुंच नहीं पड़ सकता था, बिजली की क्या बदहाली थी आप जानते हैं। अब ये देखिए आप, बिजली कितनी बढ़िया है, न्याय व्यवस्था कितनी बढ़िया है, सड़कें बढ़िया बन गई, ये जो कोर्ट द्वारा ट्रेन चल रही है ये भी अटल जी के जमाने में चलाई गई। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं बनेंगी, ये जो मौलिक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, जब ये सही बनेगा तभी तो दिल्ली के सेठ यहाँ पर आके पैसा लगाएंगे अपना। न्याय व्यवस्था बढ़िया बननी चाहिए तो अब वो भी बन रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है हम सही कदम पर हैं, सही जगह पर सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं और अब प्राइवेट लोग भी यहाँ पर विकास के लिए आगे आएंगे। जैसे सरकारी अस्पताल की सुविधा नहीं है यहाँ पर, गरीब लोग परेशान रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकारी अस्पताल इतने बड़े कस्बे में तो जरूर होना चाहिए, बल्कि CHC होनी चाहिए, PHC नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। और केवल स्वास्थ्य केंद्र बनाने से कोई फायदा नहीं है, फिर ये बात वही हो जाती है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।